हेलो, मैं डॉक्टर प्रज्ञा शेट्टी, अवेलेबल एट क्लाउड 9 फर्टिलिटी वाशी, ऑल्सो अवेलेबल एट नेक्सस के नेरूल एंड सीवुड्स। आज का टॉपिक है अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी। बहुत सारे कपल्स ऐसे आते हैं जो बोलते हैं हमारा सब टेस्ट नॉर्मल है, फिर भी हम प्रेगनेंसी क्यों नहीं हो रही है। तो आपको एक्सप्लेनेशन इनफर्टिलिटी के पहले नॉर्मल फर्टिलिटी साइकिल में क्या होती है वो बताती हूँ। तो अराउंड 14 दिन के बीच में विमेन में एक अंडे रिलीज होती है और ये अंडे ट्यूब में जाके वेट करती है। जब हस्बैंड और वाइफ संभोग करते हैं, स्पर्म यहाँ पे लॉन्च होती है और स्पर्म यहाँ पे ट्रैवल करके एक स्पर्म और अंडा मिलता है। ये भ्रूण बन के भ्रूण वापस में बच्चेदानी में जाके वहाँ पे बैठ के प्रेगनेंसी होती है। यूजुअली एक साल के अंदर 87% ऑफ कपल्स प्रेग्नेंट होना चाहिए। अगर नहीं हुआ उसको हम इनफर्टिलिटी बोलते हैं। तो इनफर्टिलिटी की कॉजेज इधर मेल में होती है या फीमेल में होती है, लेकिन 30% ऑफ द टाइम्स हमें पता नहीं चलता कॉज क्या होती है, इसके रीज़न क्या होता है। इसका रीज़न होता है जो हम रेगुलर टेस्ट करते हैं। क्या है वो रेगुलर टेस्ट? एक है हमारा ओव्यूलेशन। क्या औरत हर महीने अंडे रिलीज कर रही है? क्या उनकी बॉडी में अंडे की नंबर नॉर्मल है? वो टेस्ट करते हैं। और उनका ट्यूब्स ओपन है कि नहीं वो हम टेस्ट करते हैं। और हस्बैंड में सेमेन का काउंट और मोटिलिटी कितना है? जब हम ये टेस्ट, ये बेसिक टेस्ट हमें नॉर्मल बताता है, फिर भी हस्बैंड और वाइफ कंसीव नहीं हो पा रहे, उसका मतलब है उसे अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी। इसका रीज़न ये होती है जो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर, मतलब बहुत सारे माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स होते हैं वो जो प्रेगनेंसी में इन्वॉल्व होते हैं, अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम्स हो तो ये बेसिक टेस्ट उसको डिटेक्ट नहीं कर पाती। तो उसके वजह से हम आपको फर्टिलिटी या प्रेगनेंसी होने में दिक्कत हो रही है। तो उसके लिए स्टेप क्या है? उसका नेक्स्ट स्टेप है ट्रीटमेंट। हमें स्टेप वाइज ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या होती है, औरत को टैबलेट्स या इंजेक्शंस देके एक की जगह दो या तीन अंडे रिलीज करवाते हैं। उसके बाद हस्बैंड और वाइफ को मिलने के लिए बोलते हैं। इस मेथड से, इसे बोलते हैं ओव्यूलेशन इंडक्शन एंड टाइम इंटरकोर्स। अगर इस मेथड से प्रेगनेंसी नहीं हो पाया तो नेक्स्ट स्टेप है IUI, जहाँ पे जब अंडे रिलीज होते हैं हस्बैंड को सैंपल देने के लिए बोलते हैं। हम लैब में जाके उस सैंपल को अच्छे से धो के उसकी मूवमेंट हम बढ़ाते हैं और उसे छोटा सा ट्यूब में देके हम यहाँ यूट्रस में डालते हैं। OPD प्रोसीजर है, पेनलेस नहीं होता है, इसे IUI बोलते हैं। अगर इससे भी वाइफ प्रेग्नेंट नहीं हुई तो नेक्स्ट स्टेप होती है IVF, जहाँ अंडे बाहर निकाल के, स्पर्म बाहर निकाल के माइक्रोस्कोपी के अंडर हम एक अंडे एक स्पर्म को मिला के भ्रूण बना के भ्रूण को वाइफ के अंदर रखते हैं। तो अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी का मतलब ये नहीं होती है हमें कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है। इसका मतलब ये है जो हम रेगुलरली टेस्ट करते हैं उससे हम डिटेक्ट नहीं कर पाते कि कॉज क्या है। तो ये प्रेगनेंसी होने में या ट्रीटमेंट लेने में थोड़ा वक्त लगती है, तो पेशेंट्स को थोड़ा पेशेंस होना चाहिए और ट्रीटमेंट को लेना चाहिए।